नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं सीआरपीसी की धारा 144। तो आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि धारा 144 में क्या क्या जानना जरूरी है। तो क्या इन सवालों के आप जवाब जानते हैं कि धारा 144 क्या होती है, कब और कितने समय के लिए इसे लगाया जाता है, इसे कौन लगाता है तथा इसे तोड़ने पर क्या सजा मिलती है। इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से और इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये धारा 144 जो है वो। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न यह आता है कि धारा 144 क्या होती है। तो धारा जो 144, धारा 144 हमेशा, धारा 144 के बारे में जब आपके सामने में डिस्कस हो तो समझ जाइएगा कि यह धारा 144 शांति की स्थापना के लिए, इसका जो है वो यूज किया जाता है। जब कभी भी कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति जैसे कि दंगा, लूटपाट, हिंसा, दो गुटों के बीच मारपीट, इस तरह की स्थिति उत्पन्न अगर होती है तो वहां पर धारा 144, सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दिया जाता है। यह जो धारा 144 लागू करता है, अब आपके माइंड में है कि इसको लगाता कौन है। तो धारा 144 को जो है वहां पर कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट होता है, कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट होगा वो लगाता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो है इसे लगाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट लगाता है इसे। साथ में इसे लगाने का जो पावर है वह जिला मजिस्ट्रेट और क्या कहते हैं, जिला अधिकारी जिसे बोलते हैं, उसे पावर है कि वह नोटिफिकेशन जारी करता है। वह एक नोटिफिकेशन जारी करता है और जिसके द्वारा यह लगा दिया जाता है कि उस इलाके में, किसी विशेष क्षेत्र में धारा 144 लागू हो गई है। अब ये जो धारा 144 लागू हो गई है, इसमें क्या होगा, इसकी अवधि क्या होगी। न्यूनतम अगर धारा 144 को लागू करने का है तो यह 2 माह तक, 2 महीने, 2 माह तक इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये, अगर कौन 2 माह तक लागू कर सकता है, तो ये जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट इसको 2 माह तक लागू कर सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा भी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं होती है तो वैसे वैसे वहां की जो राज्य राज्य की जो सरकार होगी, सरकार इसको लागू करेगी। राज्य सरकार कितने दिनों तक राज्य सरकार लागू कर सकती है, तो वो 6 माह तक जो है इसे और आगे कर सकती है। 6 माह तक, 6 माह से यह अधिक नहीं होगी। उसके बाद अब यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि जब ये लागू होती है तो क्या क्या चीज, क्या जरूरी होता है लागू करने के लिए, क्या चीज। नोटिफिकेशन जब जब भी जारी होगा तो वह लिखित आदेश के रूप में होगा। इसके लिए लिखित आदेश की आवश्यकता होगी। अगर लिखित आदेश नहीं है, लिखित आदेश आपके नहीं है तो यह धारा 144 लागू नहीं होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर लिखित नहीं है तो धारा 144 लागू नहीं हुई है, ये आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब इसके लिए क्या करती है राज्य सरकार, विभिन्न जगहों पर लोगों को जागरूक करने के लिए या तो लाउड स्पीकर के माध्यम से या तो पर्चे को छपवा करके चिपका दिया जाता है दीवारों पर कि यह धारा 144 इस क्षेत्र में लागू हो गया है, आपको अब इसमें क्या क्या करनी है। तो उसमें सबसे बात, निम्न बातें को ध्यान में रखना है कि 4 लोगों से अधिक जो है वह झुंड बना करके नहीं रह सकते, कहीं पर भी 4 लोग से अधिक नहीं रह सकते हैं। और विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वाहन का चलना रोक दिया जाता है। वहां पर वाहन जो है एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे, उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है। जिस एरिया में है उस एरिया में जो है किसी आदमी का प्रवेश जो है वो निषेध रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक गोलाकार आकृति में कोई क्षेत्र है, भागलपुर एक क्षेत्र है, तो वहां पर जो है अगर 144 लागू है तो ग्रामीण इलाकों से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एंट्री अभी नहीं कर सकता है। अब इस बातों को और ध्यान देंगे कि इसमें क्या सजा का प्रावधान है। तो ध्यान देंगे इसमें जो सजा का जो प्रावधान है
वो मैक्सिमम अगर दोषी पाया गया कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन 144 का अगर वो उल्लंघन कर रहा है तो उसमें 3 साल की सजा उसको हो सकती है। 3 साल तक की सजा उसे हो सकती है यदि वह 144 को फॉलो नहीं करता है। 144 को वो अगर वो फॉलो नहीं करता है कोई व्यक्ति तो उसे 3 साल की सजा, साथ में जुड़वाने का भी प्रावधान है। मतलब उसके ऊपर जो है वो हर्जाना उसको जुड़वाने के रूप में देना पड़ेगा, वहां पर जुर्माना देना पड़ेगा सरकार। अगर वो जुर्माना नहीं देता है तो सजा और भी बढ़ सकती है। जुर्माना नहीं देने पर सजा और भी बढ़ेगी। इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसे जिला मजिस्ट्रेट जो है वो लागू करता है, जिला अधिकारी इसे लागू करता है एक नोटिफिकेशन जारी करके, और यह हमेशा लिखित आदेश में जारी होता है। धारा 144 जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी में यह एक प्रावधान दिया गया है, जिसके द्वारा केवल इसका उद्देश्य केवल शांति की स्थापना करना और शांति के मार्ग में जो बाधक हैं उसे रोकना है। केवल यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। दोस्तों आप आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन होगा उसको प्रेस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।